तो छोटी सी वीडियो में स्वागत है आप सबका। आज के रेसिपी में बन रही है बिना छिलका वाला उड़द के दाल है ये। तो अब इसको धो लेते हैं अच्छी तरह से 2-3 पानी से, फिर इसको पकने छोड़ते हैं। तो दाल को पकने के लिए रख दी मैंने कुकर में। अब मैं कुकर का ढक्कन लगा लेती हूँ। धुली उड़द के दाल बन रही है और गोभी पत्ता का ये छोटे छोटे पीसी से, ये जैसे आगे आगे का नरम नरम, इसका भुजिया बनेगी, इसका रेसिपी बनेगी। दाल और गोभी पत्ता का रेसिपी आज बनेगी। तो गोभी का पत्ता को मैं काट रही हूँ बारीक बारीक, इतने इतने छोटे पीसीस में काटना है, इसे ज़्यादा बारीक भी अच्छा नहीं लगती है। तो इसको अच्छी तरह से काट लेंगे बारीक बारीक सा भुजू के लिए। दाल तड़का के लिए रख दिए हम पतीला, इसमें 2 मिर्च को छोटे छोटे पीसेस में डाल देते, मिर्च और लहसुन से ये तड़का लगेगी। और इसमें अब हम लहसुन डाल देते हैं। अब इसको अच्छी तरह से ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। तो लहसुन हमारा हो गया, अब इसमें हम डाल देते हैं दाल। तो दाल हमारे में तड़का लग गई, छौंक लगा दिए लहसुन मिर्चा का, बहुत अच्छा खुशबू आ रही है। तो अब थोड़ा सा उबाल लेते। तो कढ़ाई गर्म हो गई, गोभी का डेंठल को भुजिया बनाने के लिए इसमें हम डाल देते तेल। तेल को गर्म होने देते। तेल गर्म हो गया, अब हम इसमें डाल देते हैं 2 से 3 लाल मिर्च का टुकड़ा करके। अब मिर्च हो गया, इसमें हम लहसुन डाल देते हैं ग्राइंड किया हुआ, थोड़ा छोटे छोटे पीसेस में किए हैं इसको, ओखली में ग्राइंड किए हैं। तो लहसुन अच्छी तरह से ब्राउन हो गया, हम इसमें हम डाल देते हैं गोभी पत्ता का डेंठल, छोटे छोटे गोभी का पत्ता खींचा खींचा है नरम नरम, इसका हम बनाएंगे भुजिया। तो वीडियो में बने रहना। तो आप देखते हैं सब्जी को खोल के, इसमें अभी टमाटर डाल देते हैं, पानी तो सूख गया इसका भुजा के। तो 2 में टमाटर काट के रखी थी छोटे छोटे पीसेस में, इसको डाल देती हूँ। और इसमें अंदाज से नमक डाल देते, अभी टमाटर में डालने से अच्छी तरह से हो जाती है, सब में टमाटर भी गल जाती है और सब्जी में भी बढ़िया तरह से वो हो जाती, इसलिए मैं तो इसी टाइम लगाती हूँ। बाद में ही जब भी टमाटर डालती तभी मैं नमक भी डालती। अब इसको कुछ देर के लिए हम ढक के छोड़ देते हैं, ऐसे ही ढक्कन लगा के ऐसा ढक के छोड़ देंगे, तो फिर इसमें पानी हो जाएगा। तो सब्जी का ढक्कन खोल के देखते हैं, बनी है कि नहीं हमारी फूल गोभी का डंठल। तो देखें कितना अच्छा हो गया, इसमें टमाटर अच्छी तरह से पिघल गया। तो इसीलिए मैं टमाटर के साथ ही नमक डालती हूँ, टमाटर भी बन जाती है बढ़िया तरह से पक के, और सब्जी में भी नमक बढ़िया मिक्स हो जाती है। तो इसको बढ़िया तरह से, अभी इसमें थोड़ा पानी है, पानी को सूखने तक इसको भूनना पड़ेगा। आज का रेसिपी मेरा ये बन रही है, फूल गोभी डंठल का रेसिपी है ये। तो मेरी रेसिपी कैसी बन रही है कमेंट में बताना, और नए हैं तो वीडियो में लाइक कर देना। देखिए मेरा रेसिपी कैसी बन रही है। तो मेरा रेसिपी बन के तैयार हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।